नमस्कार दोस्तों, रॉक वार्ड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे रियलमी के टॉप 3 फ्री यूनिवर्सल थीम्स के बारे में। यहाँ मतलब सर, आज सुबह के अंदर मैंने एक वीडियो डाला जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो यूनिवर्सल थीम्स है वो रियलमी के फ़ोन्स के लिए रोल आउट होना चालू हो चुका है। लेकिन यार उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि भाई हमारे फ़ोन में जो थीम्स है वो अप्लाई नहीं हो रहा है, किसी किसी यूज़र्स के फ़ोन में यह थीम्स जो है दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जो यूनिवर्सल थीम्स है वो रियलमी UI 1.0 और उससे ऊपर वाले वर्जन पे ही काम करने वाला है। यहाँ पे अगर आपके पास ColorOS 6 वाला एक डिवाइस है तो आप यूनिवर्सल थीम्स को यूज नहीं कर पाओगे। और कुछ यूजर्स ऐसे थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि भैया कि उनके फोन में थीम तो अप्लाई हो रहा है लेकिन लॉक स्क्रीन और ऐप ड्रायर के अलावा और कहीं पे भी जो चेंजेस है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जो है ना यूनिवर्सल थीम्स में कुछ बग्स है। तो अभी आप डार्क मोड को ऑफ कर दो, मतलब डार्क मोड को ऑफ करके अगर आप थीम्स को यूज करोगे तो आपको नोटिफिकेशन पैनल में या फिर हर जगह पे आपको जो है थीम्स प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा, मतलब अप्लाई होते हुए दिखाई देगा। अगर आप डार्क मोड को ऑन करोगे तो भैया जो थीम्स है वो सही तरीके से अप्लाई नहीं होगा। फिलहाल ये बग है जो कि बहुत ही जल्द फिक्स हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, अगर आप 6.5.0 से नीचे वाले वर्जन पे हो, थीम स्टोर की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे जो थीम्स है वो अप्लाई नहीं होगा। तो सबसे पहले आप थीम स्टोर को 6.5.0 या फिर उसके ऊपर वाले वर्जन पे अपडेट कर लो। जो लिंक है वो आपको मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, और जो वीडियो का लिंक है जो मैंने सुबह में बनाया था उस वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे रहा हूं। यहां पर दोस्तों बात करते हैं फ्री थीम्स के बारे में, मतलब फ्री यूनिवर्सल थीम्स के बारे में। जैसा कि इस वीडियो का टॉपिक है तो सबसे पहले हम जाते हैं थीम स्टोर में, उसके बाद में मी के अंदर, फिर यहां पर हम क्लिक करेंगे माई रिसोर्सेस पे, और उसके बाद में यहां पर मैंने डाउनलोड करके रखा है। आप देख सकते हो सबसे पहला थीम है ये द चेंबर ऑफ सीक्रेट। इसको हम अप्लाई करते हैं, मैं आपको हर एक थीम अप्लाई करके दिखाऊंगा कि जो लुक है वो कैसा आपको मिलने वाला है थीम को अप्लाई करने के बाद में। तो यहां पर भैया जो द चेंबर ऑफ सीक्रेट है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप का जो है इंटरफेस मिल जाएगा, मतलब ये लॉन्चर है और नीचे आइकन्स वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे अगर हम जाते हैं फोन पे तो यहाँ पे आप डायलर देख सकते हो, इसके अलावा जो मैसेजिंग ऐप है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊँ नोटिफिकेशन पैनल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन पैनल है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जाते अगर हम सेटिंग में तो यहाँ पे भैया आप देख सकते हो जो सेटिंग है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। ये है अबाउट फोन। तो ये दोस्तों हो गया हमारे पास नंबर 1 थीम जो कि यहाँ पे है द चेंबर ऑफ सीक्रेट। इसके अलावा बात करते हैं अगले थीम की, तो भैया स्टेरी नाइट ऑफिशियल, ये जो थीम है ना ये किसी किसी को नहीं मिल रहा है। तो मैं काम करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको इनके नेम्स दे देता हूँ, आप मैनुअली सर्च करके इनको जो है ढूंढ सकते हो, उसके बाद में अप्लाई भी कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो स्टेरी नाइट ऑफिशियल जो कि मैंने अप्लाई कर लिया है। ये जो थीम है ना ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल एकदम मस्त तरीके से चेंज हो चुका है। और जाते सेटिंग में तो क्या बात है यार, जो सेटिंग है ना मतलब वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। जाते अबाउट फोन पर तो देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जाते अगर हम डायलर पर तो देख सकते हो जो डायलर है वो भी काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है। इसके अलावा जाते मैसेजेस पे तो यहाँ पे देख सकते हो मैसेजेस भी कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अगर मैं से बात करता हूँ किसी अदर ऐप की, तो भैया यहाँ पे कुछ कुछ ऐप्स जो है सही से काम नहीं भी करता है, लाइक फाइल मैनेजर हो गया या फिर ऐसे ही यार, क्योंकि यहाँ पे यार जो यूनिवर्सल थीम्स है ना वो अभी अभी आया है, तो इनके अंदर काफ़ी सारे बग्स है जिनको आगे आने वाले किसी अपडेट्स के जरिए फिक्स कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप थोड़े बहुत यहाँ पे झेल ही सकते हो। फाइनल थीम की बात करते हो तो यहाँ पे 11 वुड्स करके एक फाइनल थीम है यहाँ पे, मतलब नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको हम अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद में देखते हैं भाई ये जो थीम है ये कैसा है। तो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है, देख सकते हो ये है कुछ 11 वुड्स का थीम, जहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा। इसके अलावा सेटिंग की बात करते हैं तो आपको कुछ इस टाइप का सेटिंग मिलेगा। यहाँ पे बात करते हैं अबाउट फोन की तो आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं डायलर वगैरह की तो ये देख सकते हो डायलर। इसके अलावा जाते मैसेजेस पे तो ये देख सकते हो मैसेजेस। और यहाँ पे भी हम एक बार फाइल मैनेजर को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जो थीम है वो अप्लाई नहीं हुआ है। अब ये जो थीम है ना इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो आप देख सकते हो ऐप ड्रॉयर में जो आइकन्स के मतलब जो नेम होते वो दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे ही ना आपको काफ़ी सारे बग्स मिलेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे जो स्टेरी नाइट ऑफिशियल है वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे 11 वुड्स या फिर द चेंबर ऑफ सीक्रेट को यूज़ करोगे तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐप ड्रॉयर मोड को यूज़ मत करो, आप यहाँ पे स्टैंडर्ड मोड यूज़ करो। अगर आप स्टैंडर्ड मोड यूज़ करोगे तो जो आइकन्स के नेम है वो आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई देगा। और मैं आपको बता दूँ आप यूनिवर्सल थीम्स के साथ में लॉक स्क्रीन मैगजीन को भी यूज कर सकते हो। तो यही दोस्तों था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन से फ्री थीम्स अवेलेबल है, फ्री यूनिवर्सल थीम्स अवेलेबल है करेंटली रियलमी के थीम स्टोर के अंदर। और जहाँ तक बात है बाकी थीम्स की तो वो अभी पेड है, लेकिन टेंशन मत लो,
कल एक वीडियो में बनाऊंगा जहां पर मैं आपको बताऊंगा वो पेड थीम्स को भी आप मतलब पेड यूनिवर्सल थीम्स को भी आप कैसे फ्री में यूज कर सकते हो। तो यही विषय है इस वीडियो के अंदर। अगर मेरे चैनल पे नए आगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाकर उस ऑल वाले बटन पर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोजाना ऐसे ही वीडियोज लेकर आता रहता हूँ। मिलता है आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे ही बने रहिए, हमेशा स्मार्ट रहिए।